भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भोपाल से गिरफ्तार। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोनू की हत्या जिन बदमाशों ने की थी, उन दोनों बदमाशों को पुलिस ने भोपाल के मंडीदीप से उनके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की हत्या करने वाले दो आरोपी अर्जुन और पीयूष को भोपाल के पास मंडीदीप से गिरफ्तार किया है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस दोनों आरोपियों को इंदौर लेकर पहुंच चुकी है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं हत्या के पीछे वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने आ रही है, जिसमें एक अन्य नेता का नाम भी शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसमें मोनू कल्याणी के बढ़ते कद के कारण हत्या करवाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ही हत्या के पीछे की वजह का खुलासा पुलिस करेगी। भोपाल की टीम को सफलता मिली हुई है, भोपाल टीम की अभिरक्षा में दोनों आरोपियों को लिया गया है। बाकी जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर बेचना जारी है। आर्थिक राजधानी इंदौर में आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 7 साल की मासूम के बाद अब 38 वर्षीय TCS में काम करने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर ने BCM की 10वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। मृतका ने पिता को लिखा, प्रॉब्लम में हूँ, आई एम सॉरी पापा। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के BCM अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल का है, जहां पर कूदकर TCS कंपनी में काम करने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। मृतका सुरभि जैन ने अपने पिता को व्हाट्सएप पर लिखा, प्रॉब्लम में हूं, सॉरी पापा, और फोन स्विच ऑफ करने के बाद 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची, जहां शव को बरामद किया। आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। सुरभि के पिता से कुछ मामूली बात को लेकर विवाद भी हुआ था। पिता का उत्तर भी था सुबह, और पिता से बात करके मृतका ऑफिस चली गई थी। मृतका सुरभि जैन मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका इलाज हैदराबाद में चल रहा था। 2 साल पहले महिला का डिवोर्स हो चुका है। फिलहाल परिजनों के बयान के बाद आत्महत्या के कारणों का पता चल पाएगा। हाँ, ये BCM हाइट है, ये यहाँ पे 8वीं मंजिल से एक महिला ने कूद के अभी करीब 1.5 घंटे 2 घंटे पहले अपनी सुसाइड किया। इसकी प्रारंभिक जानकारी मिली है, सुरभि जैन है, इसके पिताजी है अशोक कुमार जैन है, ये अनूप नगर में रहते हैं और ये TCS में प्रोजेक्ट मैनेजर थी। जबलपुर के महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी विश्वविद्यालय में कुलपति के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने छात्रों के विश्वविद्यालय के बाहर करने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहीं पुलिस ने इस प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। रवैया है छात्रों के ऊपर हाथ उठा के, छात्रों के साथ अभद्रता करके, छात्रों की आवाज को जिस तरीके दबाया गया है, आज इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। सिविल लाइन थाना प्रभारी राज के द्वारा छात्रों के ऊपर हाथ छोड़ा गया है, छात्रों के साथ मारपीट करी गई है। छात्र विरोधी नीतियों को लेकर महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन लगातार छात्र विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सुनवाई न होने के कारण आज हम कुलपति का इंतजार करने के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे। लेकिन नियम तरीके से अवैध तरीके से सिविल लाइन थाना प्रभारी और सिविल लाइन थाना पुलिस प्रधान के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट करी गई है, उनके साथ अभद्रता करी गई है। जबलपुर में एक बुजुर्ग द्वारा दुकानदार को नकली जेवर देकर असली जेवर ले जाने का मामला सामने आया। लॉर्डगंज थाना अंतर्गत सुहागढ़ आभूषण सोने चांदी का व्यापार करने वाले दुकानदार मुकेश अग्रवाल की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बुजुर्ग आदमी के कारनामे रिकॉर्ड हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकली सोना बेचकर असली सोना ले जाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। दुकानदार का कहना है कि बुजुर्ग उनके पास कान के 2 टॉप्स बेचने आया था। इन टॉप्स को देखकर दुकानदार ने बुजुर्ग से कहा कि सोने के इन टॉप्स को पहले गलाना पड़ेगा, पुराने सोने के टॉप्स को गलाने के बाद ही दूसरे सोने का सामान बेचा जाएगा। दुकानदार की बातें सुनकर बुजुर्ग नकली सोने के टॉप्स लेकर वहां से चला गया। सोने चांदी के नकली जेवर लेकर बुजुर्ग दूसरी दुकान पर चला गया। ज्वेलर्स की दूसरी दुकान में जाकर बुजुर्ग ने नकली सोने के टॉप्स लेकर असली सोने के जेवर ले गया। ज्वेलर्स की दुकान संचालक ने इसकी रिपोर्ट लॉर्डगंज थाने में दर्ज कराई। पुलिस पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर बुजुर्ग की तलाश कर रही है। सिंगल व्यक्ति आया था और उसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के बीच होगी, ऐसा अपना अनुमान है। और उसने आकर के हमको अपने 2 डिब्बे देखे थे अंगूठी के सिर, उसने तुरंत एक अंगूठी पसंद कर ली थी। उसके बाद वो पुराना सोना लेके आए, हमारे पास टॉप्स थे उसके 5 ग्राम के लगभग थे। तो हमने उसको देख के बोला, यार ये सोना तो हमें सही नहीं लग रहा है, इसको हमें गलाना पड़ेगा, मेल्ट करके देख ले रहे 5 मिनट। तो फिर वो यहाँ से फटाक से चला गया। नहीं नहीं, हमको मेल्ट नहीं करवाना है, मतलब इसमें थोड़ा शंका तो हुई। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, नहीं तो हम अपने उस फॉर्म में भी इन्फॉर्म कर देते कि भाई यहाँ एक चिटलर आया है और नकली टॉप्स या खोटे टॉप्स बेचने की कोशिश कर रहा है इनमें। और वो हमारी उस वाली ब्रांच में चला गया जो आशीर्वाद मार्केट में है, और वहाँ पर क्या सेल्समैन को बातों में उलझा करके वहाँ भी 2 मिनट के अंदर अंगूठी पसंद करी और पुराना सोना दिया,
और वहाँ उसने लेकिन अपना नाम दूसरा संदीप शर्मा बताया और संदीप शर्मा के नाम से ही उसने बिल बनवाया। जबलपुर के घमापुर इलाके में एक नकाबपोश युवक द्वारा एक व्यक्ति के घर पर बम फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए है वो रात के वक्त आता है और ताबड़तोड़ दो बम घर पर फेंकता है। बम एक के बाद एक फूटते हैं और मोहल्ले में हो हल्ला मच जाता है। बम फेंकने के बाद आरोपी मौके से तुरंत भाग जाता है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घमापुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी श्यामू बेन का पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र बेन से किसी बात को लेकर पुराना विवाद था। इस विवाद के चलते आधी रात को आरोपी श्यामू बेन ने सुरेंद्र के घर पर बम फेंक कर डर का माहौल निर्मित किया। इस घटना के बाद पीड़ित सुरेंद्र बेन ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। दिनांक 21/6/24 की रात में 3:40 बजे श्यामू बेन नाम के व्यक्ति ने सुरेंद्र बेन के मकान में बम फेंका था, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। तो बम फटता है वो उसका कोई पुराना विवाद था? ये आपसी रंजिश बताई जा रही है, पुराना विवाद है, पड़ोसी है उसका कुछ पुराना।